देखिए बेटा, कल हमने 1 to 7 क्वेश्चंस किए थे। वो सारे के सारे हमारी बुक के पीछे दे रखे थे, जिसमें हमने समझा था कि 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हैं, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। सेटलमेंट्स क्या होती हैं, गांव के लोग किस किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को करते हैं, मास मीडिया क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एंड वाई द वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग, कि विश्व क्यों श्रिंक हो रहा है टुडे, वाई क्यों विश्व सिमट कर छोटा हो गया है। ठीक है, आज हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 से, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इवोल्यूशन सेटलमेंट्स नियर द रिवर वैलीज। ठीक है, मीन्स कि जो सेटलमेंट्स हैं, जो बस्तियां हैं, जो नदी घाटियों के पास बसी, उनके पीछे, उनकी उन्नति के पीछे क्या रीज़न है कि ये जो सेटलमेंट्स हैं ये नदी घाटी के पास ही क्यों फली फूली। सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज, बस्तियाँ नदी घाटियों के पास ही ग्रू हुई, फली फूली या बनी, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड, क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी थी, वाटर उपलब्ध था, पानी उपलब्ध था, एंड फर्टाइल लैंड, और उसके साथ साथ उपजाऊ जमीन भी थी। मीन्स मानव को पहले जीवन जीने के लिए क्या चाहिए था, उसको जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, तो पानी नदियों से मिल जाता था, और वहाँ पर जो नदी के आसपास की ज़मीन थी वो भी उपजाऊ थी, जिसके कारण मानव वहाँ पर आसानी से खेती कर सकता था। इसीलिए जो ज़्यादातर जो बस्तियाँ थी वो नदी घाटियों के पास ही ग्रो हुई। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस, वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस, आप बर्फ से बने हुए ड्वेलिंग यानी कि रहने योग्य जो घर हैं वो कहाँ पाते हैं, मतलब बर्फ के द्वारा बने हुए घर कहाँ मिलते हैं हमें। तो बेटे वो मिलते हैं हमें इन टुंड्रा रीजन, टुंड्रा प्रदेशों में। ठीक है, जो पोलर पोल्स के पास होते हैं, पोलर रीजन के अंदर हैं। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन और एड है, हु मेक्स देम, इन्हें कौन बनाता है बर्फ के घरों को, एस्किमोस मेक देम, इन्हें एस्किमोस बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन और ऐड हो रहा है इसमें, एंड व्हाट आर दे कोल्ड, और इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कोल्ड इग्लूज, इन्हें इग्लूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटे इन्हें, इन्हें हम इग्लूज कहते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए, आप बर्फ से बने आवास यानी ड्वेलिंग कहाँ पाते हैं, तो उसका आंसर हो गया इन टुंड्रा रीजन, टुंड्रा प्रदेशों में। उन्हें कौन बनाता है, हु मेक्स देम, तो एस्किमोस मेक देम। ठीक है, एंड व्हाट आर दे कोल्ड, और वे क्या कहलाते हैं, दे आर कोल्ड इग्लूस, वे इग्लूस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स, आप टेम्पोरेरी सेटलमेंट से, टेम्पोरेरी मतलब अस्थाई बस्तियां, अस्थाई बस्तियों से क्या समझते हैं। 2 प्रकार की बस्तियां होती हैं, एक तो होती है परमानेंट, जो फिक्स हो गई, जो मानव ने एक बार घर बनाया और मानव वही रह रहा है, और दूसरे प्रकार की है टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स, टेम्पोरेरी यानी कि अस्थाई बस्तियां। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, बस्तियां जो कि थोड़े समय के लिए ही बनाई जाती हैं, आर कॉल्ड टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स, उन्हें हम टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स या फिर अस्थाई बस्तियां कहते हैं। मतलब मानव थोड़े ही समय के लिए बनाता है वहां पर, और फिर उसे छोड़कर वो दूसरी जगह पर चला जाता है। कई रीजन हो सकते हैं, मीन्स पर्वतों के ऊंचाई वाले प्रदेशों में सर्दी के दिनों में टेम्परेचर बहुत लो हो जाने के कारण मानव उन्हें छोड़कर नीचे की जगह पर आ सकता है, या फिर मानव अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है। तो कई रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स प्रैक्टिस, कह रहे व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, लोगों का क्या व्यवसाय होता है लिविंग इन टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स, जो कि टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं प्रैक्टिस, वो किन किन प्रकार की मतलब गतिविधियों को करते हैं, मतलब व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स प्रैक्टिस, वो जो लोग जो टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं मतलब अस्थाई बस्तियों में रहते हैं, उनके क्या क्या
ऑक्यूपेशन होते हैं। पीपल्स इन टेम्पोरेरी सेटलमेंट प्रैक्टिस, जो लोग टेम्पोरेरी सेटलमेंट्स में रहते हैं प्रैक्टिस, वे करते हैं हंटिंग, हंटिंग यानी कि वो शिकार करते हैं, गैदरिंग संग्रहण करते हैं, चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्थानांतरीय खेती करते हैं, मतलब एक बार वो क्या करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, पहले वो जंगल की एक जमीन को साफ कर लेते हैं, पेड़ों को काट कर पेड़ों को जला देते हैं, फिर उस राख को उस ऐश को जमीन में ही मिला देते हैं जिससे कि वो लैंड है और फर्टाइल हो जाती है, फिर वो वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। जब फसलें पक जाती हैं और वो फसलों को काट लेते हैं, उसके बाद वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हंटिंग समझ गए थे आप, हंटिंग का मतलब था शिकार करना, गैदरिंग मतलब चीजों को कलेक्ट करना, संग्रहण करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब अस्थाई खेती, ठीक है, स्थानांतरीय खेती, एंड द ट्रांस ह्यूमंस मीन्स ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का क्या मतलब होता है? ऋतु प्रवास का मतलब है कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं, मतलब मौसम के अनुसार लोग अपने आवास को बदलते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाह की खोज में निकल जाते हैं, उसे ही हम ट्रांस ह्यूमंस कहते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है बेटे, यानी कि सघन बस्ती, और स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होती है, प्रकीर्ण बस्ती। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो देखिए सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का यानी कि सघन बस्ती, इट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। ये बहुत ही, इसमें घर बहुत ही पास पास बने होते हैं, क्लोजली बिल्ट एरिया, नजदीक नजदीक बने रहते हैं ड्वेलिंग्स, जो निवास है आवास है वो पास पास बने रहते हैं, वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जहां पर भी फ्लैट लैंड यानी कि समतल जमीन अवेलेबल हो जाती है वहां पर लोग पास पास बस्तियां बनाते हैं, उसे हम कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। और स्कैटर्ड सेटलमेंट मतलब, इन स्कैटर्ड सेटलमेंट्स ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एक्सटेंसिव एरिया, मींस जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हैं, मींस जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं उसमें जो घर हैं, जो आवास होते हैं, जो ड्वेलिंग होते हैं, वो दूर 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 होते हैं और एक व्यापक क्षेत्र में, एक एक्सटेंसिव एरिया में फैले होते हैं, घर नजदीक नहीं होते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, नेम एनी टू इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड। विश्व के दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स या दो इम्पोर्टेंट बंदरगाहों, दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के नाम बताने हैं। तो दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स क्या है हमारे, सिंगापुर एंड मुंबई। दो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स क्या है हमारे, सिंगापुर और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे इन इंडिया। हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी ही विकसित हुआ है एक्सप्रेसवे इंडिया में, उसका नेम बताना है। तो बेटा उसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब स्वर्ण चतुर्भुज, ठीक है, दैट कनेक्ट्स, जो कि जोड़ता है बेटे, चार महानगरों को जोड़ता है ये, उसका नाम है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। मतलब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है, दिल्ली से मुंबई तक, मुंबई से चेन्नई तक, चेन्नई से कोलकाता तक, और कोलकाता से वापस दिल्ली तक ये रोड आता है, इसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे कहते हैं। मतलब रोड दिल्ली से चला मुंबई तक, मुंबई से चला चेन्नई तक, चेन्नई से आगे कोलकाता तक, और कोलकाता से फिर दिल्ली तक। तो ये एक स्क्वेयर सा बन जाता है, एक मतलब चारों नगरों को जोड़कर एक ये सड़क मार्ग बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच एनवायरमेंट डू पीपल बिल्ड स्लैंटिंग रूफ ऑफ देयर हाउस। कह रहे वो कौन सा एनवायरमेंट है, ऐसा कौन सा एनवायरमेंट होता है जब लोग स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं, स्लैंटिंग मतलब बहुत ही ढलान वाली छतें बनाते हैं ऑफ देयर हाउस, अपने घरों की। तो बेटा वो ऐसी छतें कब बनाते हैं, हैवी रेनफॉल, जब वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो तब। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ट्रांस ह्यूमंस। क्या आप ट्रांस ह्यूमंस वर्ड का मतलब समझते हैं, ट्रांस ह्यूमंस मतलब ऋतु प्रवास। देखिए इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, ये लोगों का मौसम के अनुसार मूवमेंट है। पीपल हु रियर एनिमल, लोग जो जानवरों को पालते हैं
मूव इन सर्च ऑफ न्यू पेस्टर्स, वो नए घास स्थलों की तलाश में घूमते हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन, ये मौसम के बदलाव के कारण। मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं, लोग जो हैं उनका ये सीजनल मोमेंट है, मतलब मौसम के अनुसार वो आवागमन करते हैं। और जो लोग एनिमल रियर करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, वो भी मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए पेस्टर्स की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। तो बेटा आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए, 2 टाइम स्पेलिंग्स को चेक कीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके।